नमस्कार दोस्तों, मैं आज जिनकी बात कर रहा हूँ वो हैं विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद जी। इनका जन्म सन 1863 में 12 जनवरी को हुआ था, जिसे हम सभी भारतवासी युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, और वो 4 जुलाई सन 1902 को दुनिया को अलविदा कह गए। लगभग 40 साल की इस जीवन यात्रा में इन्होंने संपूर्ण जगत को अनेकों प्रेरणादायक अनमोल विचारों का प्रचार प्रसार किया, और स्वामी जी ने ये भी कहा था कि अपने जीवन का कोई भी एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, ताकि आपका ध्यान ही दूसरी तरफ ना जाए, और हर उस गलत विचारों को अपने दिमाग से हटा दो ताकि आपके लक्ष्य में बाधा ना हो सके। सफल होने का मूल मंत्र है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी के विषय पर बात करेंगे कि शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि स्वामी जी ने नदी के इस छोर से दूसरी छोर की तरफ जाना था, और वो नाव का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक साधु उनके पास में आकर बैठ गया, और उस साधु ने स्वामी जी से पूछा, क्या आप वही विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद हैं? तब स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही वो विश्वविख्यात विवेकानंद हूँ। तभी उस साधु ने कहा, स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब स्वामी जी ने जवाब दिया, मुझे नदी के उस पार जाना है, मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब उस साधु ने स्वामी जी से अहंकारी भाषा में कहा, स्वामी जी आप इतने महान इंसान हो कि दुनिया तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानती है, और आप एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकते। तब साधु ने कहा, देखो मैं आपको अभी नदी पार करके दिखाता हूँ। तब उस साधु ने अपने तपोबल के कारण उस नदी पर पैदल चलकर दूसरी तरफ पहुँचने के बाद फिर से स्वामी जी के पास आ गया। तब उस साधु ने कहा, मेरे पास इतनी शक्तियाँ, इतना तपोबल होने के बाद भी मुझे कोई नहीं जानता, और तुम्हारे पास ना कोई ज्ञान ना कोई शक्तियाँ, मगर फिर भी तुम विश्वविख्यात हो। तब स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और साधु से बोले, तुम्हें यह विद्या प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा? तब साधु ने जवाब दिया, लगभग 20 साल। इतनी बात स्वामी जी और साधु के बीच हुई, तब तक अचानक नाविक नाव लेकर आ गया। तब स्वामी जी ने साधु को नाव पर बैठने को कहा। स्वामी जी और साधु नदी के उस पार पहुँचने पर नाविक को 1 रुपये का सिक्का स्वामी जी ने दे दिया, यानी कि एक आदमी के 50-50 पैसे हुए। तभी स्वामी जी ने उस साधु से कहा, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उस काम के लिए आपने जिंदगी के 20 साल का अमूल्य समय बर्बाद किया, और अगर तुम यही 20 साल समाज की भलाई में लगा देते तो शायद आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, और मैंने अपना समय इन व्यर्थ कार्यों में ना गंवाकर समाज की भलाई में लगाया है, और यही कारण है कि मुझे दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। तब स्वामी जी उस साधु से कहने लगे, तुम्हारी तरह के ही लोग इन व्यर्थ कार्यों में अपना समय बर्बाद करके जिसका उनके जीवन में कोई भी हल नहीं निकलता। तो दोस्तों, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपका और मेरा भी समय एक एक क्षण अमूल्यवान है, इसको हम सभी दुरुपयोग ना करें, क्योंकि समय कब बदल जाए वह समय पता नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।